सभी साथियों का नमस्कार। बहुत लोग मेरे से प्रश्न किए कि लेटर को इंग्लिश में है और हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके कई लोग प्रश्न किए हैं। और क्या लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आया है मेरे पास। तो ज़्यादा नहीं, सार संक्षेप में मैं इतना बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग के सहयोग से, आप लोग के समर्थन से ये कार्य संभव हुआ है। जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं मिलने का था, वहाँ पर बहुत कुछ अचीव हुआ है, इतना आप लोग को बता देता हूँ। और इसमें जैसे कोल इंडिया को लेटर लिखा गया है, डायरेक्टर पर्सनल को लिखा गया है, यहाँ SECL हेडक्वार्टर की तरफ से कोल इंडिया को लेटर लिखा गया है। उसमें जैसे कि कोई भी टेंडर निकलता है तो वो कोल इंडिया से निकलता है, लेकिन कब निकलता है, जब SECL डिमांड करता है तो निकलता है। तो आने वाले जो भी नए टेंडर निकलेगा तो उसमें जैसे टर्म एंड कंडीशन रहता है कि इस टर्म एंड कंडीशन से ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया होगा कि 10% जो आपके यहाँ वर्कर रहेंगे ठेकेदार। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक गेवरा का उदाहरण देता हूँ कि गेवरा क्षेत्र में कई ठू माइंस है, एक खदान में मान के चलो लमसम 1,000 वर्कर काम कर रहे हैं। अब 1,000 का 10% मतलब जो ठेकेदार के अंडर में 1,000 वर्कर काम कर रहे हैं उसका 10% हुए 100 लोग, तो 100 लोग को ठेकेदार को रखना ही पड़ेगा। ये हो गया अपना गेवरा का बता रहा हूँ। ऐसे दीपका, कोरबा, कुसमुंडा, रायगढ़, हसदेव, चिरमिरी, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, जमुना, कोतमा, सुहागपुर, तो जितने भी जो एरिया हैं और जितने भी जो खदान हैं उसमें, जितने भी खदान में, अलग अलग खदान में अलग अलग जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उसके अंडर में जितने भी मैन पावर है उसका 10%। कई लोग के मन में यह आ रहा था कि भैया मेरा लिस्ट में नाम ऐड नहीं हो पाया है या मैं नहीं आ पाया था, तो मैं, आप मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये चीज़ जब लिस्ट निकल रहा था तो पहले इस चीज़ में मेंशन कर रहे थे सर लोग, GM सब लोग, कि जितने लोग का लिस्ट दिए हो उतने लोग को ही रोजगार देंगे इसमें, कि सब लोग के लिए करेंगे ऐसा करके। तो मैं सर से ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हम तो सर्वे वन तो सुखीना चाहते हैं, तो इसलिए जिन लोग का लिस्ट में नाम नहीं था उन लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। तो जिन लोग छूटे हुए थे वो लोग डायरेक्ट वहाँ से, अब कब पता चलेगा या कब तक लगेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों का आया हुआ था। तो अब नया टेंडर जैसे ही होगा तो मैं इस चीज़ का आकलन मैं खुद कर रहा हूँ, और इसके वेबसाइट में, पोर्टल में, जैसे कि कोई भी एक भर्ती आती है, फॉर एग्जांपल लूंगा पुलिस भर्ती आ रही है, SSC का आ रहा है, रेलवे का आ रहा है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में डल जाता है कि इसका ये भर्ती आ रहा है, इतना वैकेंसी है, इतना पद रहेगा। तो वैसे ही अभी जो नया टेंडर आएगा, नया ठेका आएगा, तो उसका वेबसाइट में अलग से डल जाता है। तो उसका आकलन करते हुए उसके टर्म एंड कंडीशन में ये चीज़ लिखा होगा कि हम लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। और एक चीज़ मैं फिर से दोबारा उस चीज़ को समझाना चाहूँगा आप सभी साथियों को, कि हमारा ये जो ठेकेदार के अंदर काम करने का जो उद्देश्य है केवल बेरोजगारी और रोजी रोटी चलना है, हमारा जो मेन लक्ष्य है वो रेगुलाइजेशन ही है। हम ये भी चीज़ बोले हुए हैं कि जब तक हमारा 2014 में जो संशोधन नियम है, 1961 में जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है, वो एक्ट जब तक खत्म नहीं हो जाता, 2014 में जो संशोधन हुआ है जिसके तहत हमारा आज नियमितीकरण नहीं हो रहा है, जो काम हमारा दिल्ली से होना है, तो जब तक वो हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक के लिए हम आउटसोर्सिंग में रोजगार मांगे, ना कि जीवन भर के लिए। अरे भैया जीवन भर आप शोषण थोड़ी ना कराओगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी जो हमारे साथी हैं, जिन लोग को आवश्यक जॉब की नीड है, जिन लोग को शीघ्र जॉब चाहिए, तो ऐसे लोग के लिए आउटसोर्सिंग का रास्ता निकला है। जिसमें कई लोग बोले कि SECL डायरेक्ट पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ SECL डायरेक्ट पेमेंट करेगा, वो भी आपके अकाउंट में पेमेंट करेगा। इस बात का भी स्पष्टीकरण किया, और कितना पेमेंट करेगा तो उसमें स्किल्ड और सुपर स्किल्ड, तो हम तो स्किल्ड में आते हैं और अप्रेंटिसशिप करने के बाद सुपर स्किल्ड में आता, तो 1,097 रुपये पेमेंट करेगा, ये बात स्पष्ट है, उसमें SECL के द्वारा खुद लिखा गया है। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, और धैर्य रखने के बाद में जैसे ही नया टेंडर आएगा मैं इस चीज़ की अपडेट आप लोग भी लेते रहिएगा समय समय पर, SECL की जो साइड है उसमें जा करके और CIL की जो साइड है उसमें जा करके देखिएगा, और मेरे को भी जानकारी दीजिएगा। मेरे को जानकारी होता है तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से, अन्य किसी के माध्यम से जानकारी दे दूंगा।
संज्ञान में लेते और आप सभी को एक चीज और बता दूंगा, कई लोग को एक एज के लिए भी दिक्कत था, तो एज में छूट और हमारे नियमितीकरण की जो बात है उसको संज्ञान में लेते हुए भी इस लेटर को फॉरवर्ड किया गया है सीआईएल कलकत्ता को। तो बाकी और कोई भी जानकारी रहेगा तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग रात को भी या लेट नाइट तक करते हैं या एकदम अर्ली मॉर्निंग करते हैं, तो समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिन के समय में अपन कॉल करके बात कर सकते हैं, मेरा नंबर तो सभी लोग लगभग लगभग जानते ही होंगे, 7777788521। धन्यवाद।